Excuse me. क्या हाल है ब्रो? मैं जिंदगी में बहुत चीज़ों को ना बोल सकता हूँ. मतलब मैं मुझे तुम बहुत टाइम तक दोस्तों से ना मिलाओ, नहीं मिलाओ मुझे बहुत टाइम तक तुम कुछ क्रिकेट ना दिखाओ, हालांकि मुझे बहुत शौक है, चलेंगे. लेकिन मैं बिरयानी को ना नहीं बोल सकता, कुछ भी हो जाए. मैं दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट डाइट पे हूँ, तब भी मैं बिरयानी को ना नहीं बोल सकता. लेकिन जब मैं बिरयानी खाता हूँ तो मुझे बिरयानी खाने के फौरन बाद होती है हमेशा सुस्ती. सुस्ती ऐसी होती है कि मुझे बेड दिख जाता है, बोलता हूँ कि यार अब ज़िंदगी में कोई और बीच में आए ना, मैं और मेरा बिस्तर मत जानी लाइफ. और मुझे वो सुस्ती अच्छी वाली सुस्ती होती है. मतलब वो ये होता है कि ऐसे नहीं कि अबे यार हाँ, नहीं वो होता है कि अबे चलो यार अब चिल करते हैं, अब इजी रहते हैं, उस तरह वाली सुस्ती होती है. इस सुस्ती में एक नेगेटिव चीज़ ये होती है कि बहुत सारे काम जो मुझे करने होते हैं बिरयानी खाने के फौरन बाद, वो आ जाते हैं थोड़े से टेंशन में, थोड़े से डाउट में कि अब यार वैसे अब कौन गड़े, अब कौन गा. वो काम में डाउट शुरू हो जाता है, उस काम की इम्पोर्टेंस में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वैसे यार ये इतना इंपॉर्टेंट था तो नहीं, तुम इसकी टेंशन इतनी क्यों ले रहे थे, वैसे यार ये काम कोई और कर सकते हैं, मेरा करने की जरूरत नहीं है, वैसे यार काम ये कल भी कर सकते हैं, वैसे यार ये काम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, वैसे यार ये काम काम तो नहीं है, तो कुछ फजूल है, क्यों कर रहा था मैं ये. बहुत डाउट शुरू हो जाते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं. और जब मैं उन डाउट्स के बारे में सोचने लग जाता हूँ यार कि अबे यार तुझे अच्छा खासा तू काम करने की तेरे पास एनर्जी थी, लेकिन तूने ये माशाल्लाह बिरयानी खा ली, अब तुझे डाउट हो रहा है. और जब मुझे ये सुस्ती ज़िंदगी में फिर ये काम के डाउट पे आ जाती है, तो मुझे होती है रिग्रेट कि अबे तूने क्यों खाई बिरयानी, क्यों खाई, मतलब पागल है क्या, नहीं खाता एक दिन एक बिरयानी तो है, कौन सा कोई लाइफ चेंजिंग चीज़ थी, एक बिरयानी थी यार. स्टूपिड, यू आर स्टूपिड. फिर मेरे जहन में एक ऑपोजिट इंसान आता है जो बोलता है अबे लेकिन बिरयानी बिरयानी थी यार, बिरयानी के लिए जायज़ है, जानी बिरयानी के लिए जायज़ है. और वो फुल डिफेंड करता है बिरयानी को कि यार देखो सुस्ती हो रही है माना, काम डाउट में आ रहा है माना, लेकिन बिरयानी थी और बिरयानी के लिए अलाउड है. तो वो मेरे जहन में ना एक एंजल और डीमन वाली जंग शुरू हो जाती है कि अबे यार क्यों खाई, अबे बिरयानी थी, अबे क्यों खाई, अबे बिरयानी थी. फुल नेक्स्ट लेवल, 1-2 मार धार ढिशके अम डुम ढिष्ठा ठू ठा ठी. और इसके चक्कर में फिर मैं हो जाता हूँ कन्फ्यूज, और फिर मुझे जहन में अजीब ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि यार वॉट इज लाइफ, इज लाइफ ओनली स्ट्रगल, द फाइटिंग बिटवीन टू साइड्स. फिर मैं बिरयानी की प्लेट को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस बिरयानी की प्लेट ने मेरी ज़िंदगी में पिछले 10 मिनट में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कितनी बड़ी टेंशन और मसले क्रिएट किए. और जब मैं इस प्लेट को देख के इन टेंशन के बारे में सोच के बिल्कुल गिव अप करने वाला होता हूँ, तब मुझे आ जाती है मेरे एक दोस्त की कॉल. हेलो, हाँ आ रहा हूँ. चाय पे चलना है? और चाय को तो ना नहीं बोल सकते भाई, देखो ऑल सुस्ती गॉन, ऑल टेंशन गॉन, इट्स ऑल अबाउट चाय नाउ, चाय टाइम.